नमस्कार निवेशकों, तेजी मंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ हेमा धौला खंडी। क्या आप भी मेरी तरह अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप भी मेरी तरह बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं? तो ये मुमकिन है। आप मेरी सलाह माने और आप भी शेयर बाजार से धड़ाधड़ पैसे छाप सकते हैं। ऐसी बातें सुनने के बाद आपके कान खड़े हो जाते हैं और कई निवेशकों को लगता है यही है पैसे कमाने का असल जरिया, क्योंकि इस इन्फ्लुएंसर की फैन फॉलोइंग तो हजारों लाखों में है। बंदा हो या बंदी, सही बोल रही होगी, तभी तो इतने लोग जुड़े हैं। बात है भी सही, क्यों, सही कहा ना। तो क्या आप भी बस फैन फॉलोइंग के दम पर पैसा लगाने वालों में से एक हैं? अगर हाँ तो पैसा कमाने की गारंटी तो नहीं दे सकते, पर आपके नुकसान की जरूर दे सकते हैं। याद रखें, बाजार में 90% लोगों का पैसा पहले मामा मौसा की सलाह से डूबता था, अब इन सोशल साइट्स के गुरुओं का नाम भी इसमें जुड़ चुका है। शेयर मार्केट में वो कैसे पैसे बना रहे हैं ये तो हमें नहीं पता, पर हाँ फैन फॉलोइंग उनके कैसे काम आती है ये आपको जरूर बता सकते हैं। एक बात पर ध्यान दें कि इन्फ्लुएंसर्स की फैन फॉलोइंग जितनी ज्यादा होती है उनकी कमाई उतनी ही मोटी होती है। ब्रांड के प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बताने पर इन इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दिए जाते हैं, उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को उन्होंने खुद इस्तेमाल किया हो या ना किया हो, वो आपको इसे लेने के लिए मना ही लेते हैं। ऐसे में इन्फ्लुएंसर्स को दो तरह से कमाई होती है, एक तो प्रोडक्ट या सर्विसेज की जानकारी अपने प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचाने के लिए, और दूसरा उनके बताए गए लिंक से जब आप उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदते हैं तो भी उन्हें हिस्सेदारी मिलती है। इस तरह के और भी तरीके हैं जहां से इन्फ्लुएंसर्स पैसा बना लेते हैं। तो क्या आपको इन्फ्लुएंसर्स की बात नहीं माननी चाहिए या आपको क्या करना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। पहली चीज तो ये जान लीजिए कि अपना एक भी रुपया कहीं भी बिना सोचे समझे निवेश ना करें। हम ये नहीं कहते कि हर इन्फ्लुएंसर गलत होता है या किसी को फॉलो ही ना करें। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि किसी के बहकावे में आकर पैसा ना डुबाएं। आपको जो करना है वो ये कि फैन फॉलोइंग देखकर किसी भी इन्फ्लुएंसर की बातों पर आंख मूंदकर भरोसा ना करें। वो कहते हैं ना, सुनो सबकी करो अपने मन की, बस इस बात को याद रखें। सभी इन्फ्लुएंसर्स को सुनिए, पर निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च करना ना भूलें। वीडियो कंटेंट सब देखें, पर इसलिए नहीं कि बस आपका काम आसान हो गया है और अब आपको बस स्टॉक में पैसे लगाने हैं। कंटेंट का इस्तेमाल अपनी रिसर्च के लिए करें और ये जानने के लिए कि वाकई ये स्टॉक भविष्य में आपको अच्छा रिटर्न दिला सकता है या नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस तरह झोला छाप डॉक्टर की दवाई नहीं ले सकते, वैसे ही निवेश के लिए भी मान्यता प्राप्त निवेश सलाहकार की ही सलाह लें। सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार जैसे तेजी मंदी आदि, इन सब की सलाह लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।